हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गुड वाइब्स का पपैया फेशियल किट। तो आप लोग देखते रहिए। पहले सबसे पहले हमें तो हेयर गन से अपने बालों को सेट कर लेना है ताकि फेशियल करने के टाइम हमारे फेस पे बाल ना आए। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद इसमें क्या क्या है। क्लींजर, स्क्रबर, मसाज और पैक, फोर ही स्टेप है। तो पहले हमने क्लींजर से अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करना होता है। तो मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग क्लींजर ले लिया है थोड़ा सा, और फिर अगर ज़रूरत हो तो हम फिर ले सकते हैं। तो इससे हम अच्छे तरीके से फेस में अप्लाई करके फेस को क्लीन कर लेंगे। क्लींजर हमें ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना पड़ता है, एक से दो मिनट या तीन मिनट तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए मैं किस तरह कैसे क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को क्लींजर से। अगर आप लोग को भी चाहिए है तो आप लोग फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या तो पर्पल से मंगा सकते हैं। मैं भी ये पर्पल से ही ऑर्डर किया था मैंने भी। तो इसी तरह से आप लोग अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज करके क्लीन कर लीजिए क्लींजर से। उसके बाद अपने फेस को टॉवल से ब्रश पोंछ ले अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे है स्टेप टू में है स्क्रब लीजिए अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना चाहिए आपको। अगर ना हो तो बाद में ले सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से इस तरह से अप्लाई कर ले और स्क्रब कीजिए। इसका भी उतना हार्ड नहीं है, स्मूथ है। तो पानी, अगर पानी का ज़रूरत हो तो हम रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने लिप्स के नीचे, लिप्स के ऊपर और नोज़ में अच्छी तरीके से अप्लाई करके देख लीजिए। मैंने यहाँ पे गुलाब जल रोज़ वाटर यूज़ किया था, स्प्रे कर लिया था। मुझे थोड़ा थोड़ा हर्ड लग रहा था इसीलिए, ताकि स्किन पर रेसेस ना आए। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कोई पार्लर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करके घर पे लाके खुद का फेशियल खुद कर सकते हैं इसी तरीके से। मेरी आँखों में थोड़ा रोज़ वाटर घुस गया था इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। लिप्स के नीचे थोड़े दाने दाने होते हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, आप लोग भी सेम करते रहिए, सेम प्रोसेस में इसी तरीके से खुद का फेशियल खुद कर सकते हैं देख के। मैं गुड वाइब्स का प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा एक बार चलो देख लेते हैं रिजल्ट इसका कैसे आता है। आप नोक्स के ऊपर इसी तरीके से दो फिंगर को मिला के इसी तरीके से स्क्रब कीजिएगा, क्योंकि हमारे नोक्स के ऊपर ब्लैकेज वाइटेज होते हैं ना, इसीलिए अच्छी तरीके से करना पड़ता है। आप अगर ऐसे दो फिंगर से ना हो तो आप इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, स्ट्रोक ले सकते हैं। इस स्ट्रोक से आपका अच्छे तरीके से सब ऑयल्स जितने भी होते हैं निकल जाते हैं। स्क्रब अच्छे तरीके से करने से हमारी स्किन में जितने भी डेड सेल्स और ओपन पोर्स के प्रॉब्लम होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, इसलिए स्क्रब अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अपने कोई भी बोल में पानी लेके अपने फेस को क्लीन कर ले, या तो आप वॉशरूम में जाके भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे हैं थर्ड स्टेप मसाज क्रीम। मसाज क्रीम भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जितना आपको ज़रूरत हो, और इसी तरह से अप्लाई करके आप ऊपर डायरेक्शन में जब भी मसाज करते हैं ऊपर डायरेक्शन में आपको करना पड़ता है। जितने भी स्ट्रोक हैं आप ऊपर डायरेक्शन में करें। इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह से कीजिए। आपका और जितना भी फेशियल का स्ट्रोक होता है वो अच्छे तरीके से करने से ही आपका फेस में ग्लो आता है और वाइटनिंग होती है स्किन। आप देख लीजिए मैं दिखा रही हूँ कैसे कर रही हूँ मैं, इसी तरह से आप लोग भी कीजिए।
आप देखते रहिए, और अगर कर रहे हैं तो अप्लाई करते रहिए इसी तरीके से, दोनों फिंगर को लेके इसी डायरेक्शन में लेके जाइए, इसी तरह से कीजिए और ऊपर की तरफ उठाइए। सेल्फ फेशियल करने से उतना रिलैक्स फील नहीं होता है जैसे कि जिस तरह की पार्लर में करने से, फिर भी आप करने से कहीं भी पार्टी वार्टी वगैरह में जाना हो तो आप कर सकते हैं, अगर आपका समय ना हो तो पार्लर में आप इसी तरह से करने से आपका स्किन भी बहुत सुंदर ही ग्लो आती है स्किन में। अब आपका हाथ मुट्ठी करके आप इस डायरेक्शन से कीजिए, तब आपका स्किन टाइट होगा जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप कीजिए। आपका स्किन लूज़ है, अगर लूज़ ना भी हो तो मसाज इसी डायरेक्शन से कीजिएगा। मसाज स्मूथली, हैंड को ज़्यादा टाइट मत कीजिए, ज़्यादा लगड़िए मत, अच्छे तरीके से कीजिए और आँखों के ऊपर इस डायरेक्शन से कीजिए स्ट्रोक। ऐसे वाले स्ट्रोक से आपको बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील होता है। स्टेप पैक, पैक को भी आप अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें आपके स्किन पे। अगर आपके पास ब्रश है कोई भी फ्लैट ब्रश तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिंगर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट तक छोड़ दे, ड्राई होने दे, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर ले। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी देखिए फाइनल लुक कितना सुंदर ग्लो आया है, स्किन भी बहुत स्मूथ हो गया था मेरा। थैंक यू।